शूद्रा द राइजिंग यूं कहें तो बंबई आने से पहले ही मुझे मिल गई थी शूद्रा द राइजिंग। मैं लखनऊ में जब पढ़ रहा था भारतेंदु नाट्य अकादमी में, तो 2010 की बात है, तो वहां पे वो फिल्म शूट हो रही थी शूद्रा द राइजिंग। पूरी जर्नी में आपकी कोई तो प्रेम संगनी रही होगी कि नहीं रही होगी विनोद जी, क्योंकि इतने प्यारे इतने हंसमुख जो हैं आप। नहीं, हमारा ये था भाई कि फोकस क्लियर था कि ये कुछ करना है जीवन में, कि जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। बाकी ऐसे तो बहुत किस्से होते ही हैं सबकी जिंदगी में, तो वो रहे हैं या क्या कहा जाए, बस वो निकल गए कहीं छू के और इस तरीके से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज हमारे साथ फुलेरा गांव के विनोद जी सीधे सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका हमारे शो में। और सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे चैनल जनित आवाज पर अशोक जी आए, क्योंकि आपको जो है इतने पॉपुलर हुए हैं आप फुलेरा गांव के विनोद कैरेक्टर से। उसके बाद जो है आपके बड़े बड़े चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि पंचायत टू में आपने इतना धमाल मचाया है, तो उसके बाद से आपको किस तरीके से प्यार मिल रहा है लोगों का? पहले तो सभी को नमस्कार। जी अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्यार मिल रहा है, और उसको क्या कहूं मैं कि मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग फोन कॉल्स और सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा। किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का आपके पास? मतलब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैंने सोचा ही नहीं था कि शायद इस तरीके से कोई लेगा या इतना प्यार देगा या अपने दिल के करीब रखेगा इस चरित्र को। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और बहुत कुछ लिखा होता है उन मैसेजेस में, तो पढ़ के लगता है कि शायद मतलब मैं वहां तक पहुंच पाया और लोगों के दिल में जगह बना पाया। अच्छा, इतनी सारी फिल्में की आपने, पंचायत टू में आपने इतना अच्छा धांसू रोल किया, इतने पॉपुलर हो गए, कितना अलग रहा आपका ये सफर? मतलब देखिए, मेरे को जो भी रोल मिलते थे वो तो मैं अपनी ईमानदारी से ही करता था और करता चला आया। ये बात और है कि पंचायत क्योंकि इतनी खूबसूरत लिखी हुई है, इतना बढ़िया उसका निर्देशन है, और खुद इवन पहले सीजन का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ पंचायत का, कि जब मैंने पहला सीजन देखा था और हमने पूरे परिवार के साथ देखा था, मेरे मम्मी पापा सब लोग, तो मतलब पंचायत ऐसा शो था जिसको मतलब जो मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता था, मतलब लगता है, तो उसका हिस्सा बनना ये मेरे लिए बड़ी अद्भुत सी बात थी, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, आखिर ये एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर जागा कैसे, ये बताइए। यार हम एकदम शुरू से नालायक रहे हैं पूजा, पढ़ाई लिखाई में अपना सब वो था, और ये सब इत्तेफाक है एक्टिंग में आना भी, और मतलब यूं कह लीजिए कि पढ़ाई से जी चुराना था तो एक्टिंग में आ गए। कॉलेज में था कि कुछ करना है, क्लासेस से मन नहीं लगता था, और वो कॉलेज का जर्नल यूथ फेस्टिवल होता है तो वहां पे पार्टिसिपेट करने गए, मतलब गाने गाने का शौक था मुझे, वहां पे मौका मिला नहीं, तो उस दिन ये पहला भ्रम तो क्लियर हो गया कि भाई तुम गा नहीं सकते हो, ठीक है ये तुम अपने आप में सोचते हो कि तुम सिंगर हो, पर ये वहम निकाल दो तुम अपने दिल से। तो एक हमारे अच्छा, मित्र हैं, वो लेकर चले गए कि यार थिएटर करते हैं, थिएटर बड़ी कमाल की चीज होती है, तो बस वहां इत्तेफाक से हो गया, और जब हुआ तो वो ऐसा हुआ कि लगा कि शायद मैं इसी चीज के लिए बना हूं और दूसरी चीज मुझसे कुछ हो नहीं सकती। वाह, सिंगिंग का भी आपको शौक रहा है। जी
अच्छा, इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने की है पंचायत टू में, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी करते हैं वैसी एक्टिंग आपने की, कैसे किया ये सब? मतलब कैसे क्या बताऊं मैंने कि कैसे किया, बस ये है कि ऐसे किरदार हमारे आसपास हैं, हमारे गांव में। मैं चूंकि गांव से आता हूं, मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ, रहा हूँ, तो ऐसे किरदार हमें हमेशा आसपास रहे हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उन्हीं किरदारों से मतलब ये विनोद भी कहीं से आ गया। मतलब ये विनोद मैंने कुछ सोच के नहीं किया। अच्छा, इतना एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई गांव से उठाकर एक व्यक्ति ला दिया गया, बिल्कुल इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने की है ना कि लोग उस पर मीम्स भी बना रहे हैं। कैसे? हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मेरे चाचा हैं, वो बिल्कुल विनोद की तरह ही है, वो भी मेहनत का आदमी है, काम करते हैं, मतलब जो भी साइकिल पे घूम के मजदूरी, और लेकिन वो ऐसे ही है, वो जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और चाहे वो कितने भी दुख हो तकलीफ हो तो वो कभी लोड नहीं लेते दिमाग पर कि अच्छा ये हो गया वो, तो बस कहीं ना कहीं ये चरित्र मुझे वैसा ही लगा, तो मैंने वही कोशिश की। अच्छा, आपको एक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि इंडस्ट्री में तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे डोले शोले हो, स्मार्ट हो बंदा, तब जो है उसमें आ सकता है, लेकिन क्या आपको इस इंडस्ट्री में आने से पहले डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा मुझे, मैं क्योंकि मैं यूं नहीं उठ के चला आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने कॉलेज लेवल पे किया, यूथ फेस्टिवल्स में किया, जहाँ पे आपको मौके मिलते हैं, हर यूथ जानता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल लेवल पे जोनल यूथ फेस्टिवल होता है, इंटर जोनल होता है, तो वहाँ थिएटर किया, तो वो तो कॉलेज लेवल का था, और लेकिन ये नहीं था कि उसके बाद मुझे बम्बई भागना है कि अच्छा 3 साल मैंने थिएटर कर लिया, मैंने 4-5 नाटक कर लिए, तो अब तो मुझे बम्बई जाना चाहिए, तो ऐसा कोई थॉट नहीं था मेरे। मेरे ये थॉट था कि मुझे पढ़ाई करनी है, इसका एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, एंड देन उसके बाद ही मैं बॉम्बे जाऊंगा। अच्छा, तो बस अच्छा, थोड़ा सा जी थोड़ा सा आपकी पढ़ाई के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने और कहाँ तक पढ़े हैं आप? हाँ, मैं ग्रेजुएशन की है, मैं बीए का स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से, और एमए कर रहा था मैं। एमए इसलिए कर रहा था कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैंने एनएसडी ट्राई किया था, बट वहाँ हुआ नहीं मेरा, तो वो पहला भ्रम टूटा मेरा जिंदगी में कि नहीं बाबू ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद मैंने एक साल नौकरी की, और चूंकि कॉलेज में मुझे, क्योंकि मैं 3 साल से थिएटर कर रहा था और मैंने बहुत प्राइज जीते थे, तो कॉलेज की फीस वगैरह माफ थी मेरी, मुझे यूनिवर्सिटी कलर, कॉलेज कलर, रोल ऑफ ऑनर मिला था लगातार 2 साल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो प्रिंसिपल साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम एमए कर लो हिंदी से, तुम नाटक करने आ जाना, क्लासेस तुम हिंदी तो वैसे ही पढ़ते रहते हो, तुम लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हो, तो तुम नौकरी कर लो लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, तुम एमए कर लो। तो मैं हिंदी से फर्स्ट ईयर में था, और उसके बाद मुझे बीएनए का पता चला, तो मैंने वहां अप्लाई किया और देन हो गया। तो ये मेरी सबसे जादुई चीज थी, क्योंकि मैं वाकई पढ़ना चाहता था थिएटर, और जानना चाहता था, बारीकियां समझना चाहता था अभिनय, तो हो गया, तो बस मजा आ गया। अच्छा, मजा आ गया। तो अच्छा, आपने भी स्ट्रगल किया इस चीज के लिए, इस रोल के लिए, या फिर आपको भी इसी तरीके से मतलब ऑफर आ गया और बन गए, पॉपुलर हो गए? नहीं, ऑफर जैसा कुछ नहीं होता, हम लोग जो भी छोटे शहरों से, गांव से निकल कर बम्बई आते हैं, हमारे लिए सब नया ही होता है, और हमें अपने टैलेंट से ही प्रूफ करना पड़ता है, सिर्फ वही चीज होती है आपके पास। तो
ऑफर नहीं आए, बस ऑडिशन देते रहे और काम मिलता रहा। इवन ऐसा भी रहा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत रहा इस मामले में कि आने के 1 साल के अंदर ही मुझे सेकंड लीड रोल मिला। बिट्टू बॉस मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं सेकंड लीड था, पुलकित सम्राट, और मेरी वो पहली फिल्म थी। तो बस ये है कि वो फिल्म चली नहीं तो डिमोशन ही हुआ छोटे छोटे छोटे। हाँ, लेकिन ये रहा कि काम मिलता रहा, ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिला। काम मिलता रहा, घर चलता रहा, किचन जलता रहा, चूल्हा जलता रहा, मतलब सही था, समझ पाता हूँ। मतलब बढ़िया रहा। अच्छा, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा, मैं आपकी फैन भी हो गई हूँ उस कैरेक्टर से। तो आपके बारे में पढ़ा मैंने, जाना कि आपने शूद्र द राइजिंग में भी जो है छोटा सा कोई रोल किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। शूद्रा द राइजिंग यूं कहें तो बम्बई आने से पहले ही मुझे मिल गई थी शूद्रा द राइजिंग। मैं लखनऊ में जब पढ़ रहा था भारतेंदु नाट्य अकादमी में, तो 2010 की बात है, तो वहां पे वो फिल्म शूट हो रही थी शूद्रा द राइजिंग। तो मैंने भी ऑडिशन दिया, जो थिएटर के ग्रुप्स होते हैं कि छोटे छोटे रोल्स में जो कास्टिंग करनी है और वो सब, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने बहुत, मतलब यूं था, डायरेक्टर को मैं बड़ा पसंद आया था ऑडिशन दे के, तो उन्होंने फिल्म में रख लिया। तो मैं फिल्म में कहीं 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 छोटा 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 दिखता रहता हूँ, दिखता रहता हूँ। लेकिन डायरेक्टर को ये था कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसको यूज करना है कहीं। अशोक बहुत इंटेंस एक्टर है और कुछ करना है करना है करना है। तो फाइनली एक वक्त आया जब फिल्म पूरी खत्म हो गई थी और बस क्लाइमेक्स बचा था। उस दौरान डायरेक्टर साहब ने एक दिन पहले मुझे बुलाया और बोले कि यार मैं ना तुमको जाया नहीं कर सकता, मुझे तुमको यूज करना है। और मैंने ऐसा ऐसा कुछ सोचा है कि फिल्म का दी एंड तुम करोगे। तो और वो बहुत रिस्क था ये कि वो फिल्म रोल पे शूट हो रही थी, डिजिटल शूट नहीं था। रोल पे यानी जो बहुत महंगा रोल आता है जो चलता है, अब तो वो यूज ही नहीं होता, बहुत कम रेयर या है ही नहीं, ना के बराबर है, अब नहीं है, मतलब नहीं होता। मैंने तो अभी इतने सालों में नहीं देखा कि रोल पे कोई फिल्म शूट हो रही है। तो वो सिंगल शॉट है 5-6 मिनट का, जो एक ही एक बार कैमरा रोल होगा तो वो 5 मिनट तक चलेगा। तो वो उन्होंने रिस्क लिया और वो हो गया। उसके बाद मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे किया और क्या हुआ, लेकिन वो उस दिन पूरा क्रू जो था वो बहुत खुश था, सबने तालियां बजाई कि भाई, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। और वो वन टेक शॉट ओके था, मतलब कोई रीटेक नहीं। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आपकी कोई तो प्रेम संगनी रही होगी कि नहीं रही होगी विनोद जी, क्योंकि इतने प्यारे इतने हसमुख जो हैं आप। जी नहीं, हमारा ये था भाई कि फोकस क्लियर था कि ये कुछ करना है जीवन में, कि जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। बाकी ऐसे तो बहुत किस्से होते ही है सबकी जिंदगी में, तो वो रहे हैं या क्या कहा जाए, बस वो निकल गए कहीं छू के और इस तरीके से। अच्छा, कोई तो दिल को छू के निकल ही गया, यानी कि विनोद जी को। मुझे नहीं लगता कि हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अछूता रहता है इस चीज से, कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, विनोद के पॉपुलर किरदार के बाद तो अब जो है आपको कई अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे होंगे, तो अब किस किरदार में दिखेंगे अपने फैंस के साथ? फैंस को किस किरदार में दिखेंगे मतलब आप अब? विनोद के बाद अभी मुझे काम का कोई ऑफर नहीं आया है कि मैं कहूं कि कोई काम का ऑफर आया, लेकिन यह है कि मैं उससे पहले कर रहा हूं काम, मतलब विनोद के आने से पहले भी, मतलब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं जो कि बहुत कमाल के हैं, मतलब दर्शक बिल्कुल एक नए रूप में देखने वाले हैं मुझे उसमें, और बहुत मजा आने अच्छा, वाला है। ये और वो बिल्कुल हटके, विनोद से बिल्कुल हटके किरदार। चलिए, मेरी भी आपके साथ शुभकामनाएं कि आप अब हमें बहुत और अच्छे बढ़िया रोल में और एक हीरो के तौर पर हमें दिखे, और ऐसे ही काम करते रहिए, आपकी कामयाबी जो है कदम चूमती रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम जो है हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी।
नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू।